एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा कि मैं स्पुतनिक वी का सेकेंड डोज लेने के लिए गई थी एंड उस पर मेरे को काफ़ी मैसेजेस भी आए कि आप इसका प्लीज़ सेकेंड डोज का भी पोस्ट साइड इफेक्ट अपलोड कीजिएगा। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पोस्ट साइड इफेक्ट मेरा क्या रहा। थोड़ा सा मैं अभी भी लो फील कर रही हूँ। यस, फर्स्ट वाले पोस्ट साइड इफेक्ट में आपने देखा था कि मुझे फीवर, बॉडी पेन और हेडेक और वॉमिटिंग था। सेकेंड वाले में भी सेम यही सारे सिम्टम थे मेरे, बट थोड़ा सा ज़्यादा हुआ मुझे। मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा परेशान रही, फीवर मुझे पूरा 24 आवर तक रहा, वॉमिटिंग भी मुझे 2 से 3 हो गई थी, हेडेक भी था, काफ़ी था। लेकिन वो जो भी कुछ हुआ मुझे सिर्फ 24 आवर के लिए ही हुआ। मैं बस 24 आवर ही परेशान थी, उसके बाद मैं अभी ठीक हूँ। थोड़ा सा मुझे वीकनेस है, क्योंकि आपको फीवर है था और वॉमिटिंग हुई थी तो ऑब्वियसली बॉडी में थोड़ी वीकनेस तो रहेगी ही। तो इसमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है कि सेकेंड वाले डोज के बाद आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए, सबसे पहले तो वैक्सीन लेने के बाद हर बॉडी पे डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी मतलब कैसे उसको अडप्ट कर रही है। मे बी किसी का इम्यून सिस्टम लो रहता है तो मे बी उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरे हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं हुई, उनको बस हेडेक हुआ था 2 to 3 hours के लिए। उनको ना फीवर हुआ, ना बॉडी पेन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वो एब्सोल्युटली फाइन थे। मेरी थोड़ी सी हेल्थ बिगड़ गई थी, मुझे फीवर और बॉडी पेन भी रहा, हेडेक भी रहा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये सब कुछ आपका डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसे इस चीज़ को एडप्ट करती है। देखिए, छोटे बच्चे को भी वैक्सीन लगता है तो उन लोगों को भी फीवर रहता है, 2 से 3 दिन तो फीवर रहता ही है। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लेने के बाद आप लोग को फीवर ही नहीं होगा या कुछ नहीं होगा। या कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि वैक्सीन ले लिया, अरे यार उसको देखो फीवर हो गया, मे बी वैक्सीन में कोई प्रॉब्लम। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वैक्सीन ले रहे हैं तो बॉडी पर डिपेंड है कि किसकी बॉडी कैसे अडेप्ट कर रही है। तो ये था पूरा मेरा पोस्ट साइड इफेक्ट ऑफ स्पुतनिक वी सेकेंड डोज का। तो होप कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया, जैसे कि मैं हर ब्लॉग में बोल रही हूँ, प्लीज जाके लीजिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद फीवर आता है, बॉडी के हिसाब से डिपेंड है आपका किसको फीवर आ रहा है नहीं आ रहा है। बहुत से लोगों को मेरे फ्रेंड सर्कल में फीवर हुआ, बहुत से लोगों को नहीं हुआ। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सभी को फीवर आएगा, और ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि सबको फीवर नहीं आएगा। तो प्लीज आप लोग जाइए और वैक्सीन लीजिए। होप कि आप लोग को सारे क्वेश्चन का आंसर इस ब्लॉग में मिल गया होगा। तो अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एंड यस, बहुत से लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं बट वो लोग चैनल नहीं देखते हैं, मेरा सॉरी व्लॉग नहीं देखते हैं, और नॉन सब्सक्राइबर ज़्यादा देखते हैं। तो प्लीज जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने किया है वो लोग मेरे वीडियोस को देखिए। क्योंकि ये व्लॉगिंग चैनल है तो इसमें मैं हर तरीके के वीडियोस लेकर आऊंगी। तो इससे आपको मेरे लाइफ के बारे में, मेरी ट्रैवलिंग के बारे में, क्या मस्ती करती हूँ मैं, कैसे अपनी लाइफ जीती हूँ, सब कुछ पता चलेगा। तो फिर से बोल रही हूँ, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी कोई भी वीडियोज आएंगी सबसे पहले आप लोग को मिलेंगी। So bye, we'll meet in the next vlog. Bye bye.